आगे पढ़े दास वचन यर्मिया एक का दास। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकारी ठहराया है उन्हें गिराने और दाग देने के लिए। देखिए यर्मिया की सेवकाई, मैंने जातियों के ऊपर तुम्हें अधिकारी ठहराया है, तुम्हें अधिकार दिया है उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए। ये काट डालते हैं नबी। यहूदा क्या कहता है, देखो कुल्हाड़ा किधर रखा हुआ है, जड़ के ऊपर रखा हुआ। नबी काटते हैं, नबी छेदते हैं लोगों को। जब नबी बोलता है, जब नबी प्रचार करता है, लोगों को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, लोगों के मनों में ये सवाल आना शुरू हो जाता है, अब मैं क्या करूं। और आज के नबी बोलिए, आज के नबी मूर्खताई दिखती है, मूर्खताई की नदियां बहती हैं उनके मुख से। समझ में आ रहा है, ये नबियों की सेवकाई है। यहोवा नबी को जब खड़ा करता है, नबी को काटने के लिए खड़ा होता है। जो अनवांटेड ब्रांचेस हैं, जो फल नहीं लाती हैं, जो डालियों फल नहीं लाती हैं, यहोवा नबियों को भेजकर उन डालियों की कटाई करता है और उनको आग में फेंकता है। पढ़िए ये वचन दोबारा। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजों पर अधिकारी ठहराया है उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, जहां उन्हें बनाने और रोकने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए, रोकने के लिए। पहले क्या करते हैं बताइए, जब नबी सख्त वचन से बात कर रहा है, करड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, समझ जाइएगा यहोवा क्या कर रहा है, काट रहा है। ब्लेस यू, आशीष हो, आमीन, ऊंचा बोलो चर्च, आशीष आने वाली है, आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है। ये है आज, आज के नबियों का नारा। अभी बारिश की हम चर्चा कर रहे थे, मीटिंगों का नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, बरकतों की बारिश, चमत्कारों की बरसात, बरकतों की बारिश। असम की न्यूज सुनी, असम की न्यूज है, उधर हाड़ आया हुआ, फ्लड आया हुआ, इतनी बारिश हो रही है कि उधर बाढ़ आई है। तो बरकतों की जब बारिश आएगी, फिर आप वचन में पढ़ेंगे, ध्यान से जब पढ़ेंगे, उधर लिखा है यहोवा समय समय पर मेघ बरसाता है। समय समय पर जो बारिश होती वो यहोवा की ओर से। ये जड़े हाड़ आंदे ने, बरकता दे हाड़ आ गए, बरकता दी आशीष आ गई, ये यहोवा बोलो नहीं, यहोवा समय समय से बारिश बरसाता है, समय समय से। यही पढ़े थे अपन, पढ़िए दोबारा, भी मैं भी मसला चार वचन। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा, समय समय पर, कहता यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे तो मैं समय समय पर तुम्हारे ऊपर मेघ बरसाऊंगा। जब बारिश आशीष हुंदी, बहुतायात दे विच आशीष हुंदी, वो आशीष गिणी जांदी, तां नूह दे समय तां आशीष दे चरोखे खुल गए। इदां ही जदों जादियां बरकतां साडे विच आ जाणगे ना, जादियां बरकत 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 करांगे ना, ते फिर रुड़ जावांगे, उहदे विच ही रुड़ जावांगे, बह जाएंगे उसमें। इसलिए समय समय पर चाहिए, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतनी। सुबह कितनी गर्मी थी, अभी ठंडा, जितनी हमें जरूरत थी परमेश्वर की हवा ने उतनी बारिश हमें दी। ये बरकतों के हाड़ से बचना, ये बरकतों की बारिशों से हमने बचना। समझ आ रहा है क्या करने के लिए नबी को खड़ा किया है? नहीं, यर्मिया 10:1-10। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए, या उन्हें बनाने या रोकने के लिए, उन्हें ढा देने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें काट डालने के लिए। इसलिए यहोवा नबियों को खड़ा करता है।
कभी सख्त बोलता है, करड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसकी बातों को सुनकर या तो मन कठोर होगा या टूट ही जाएगा, ताकि आप यह होगा कि आगे टूटा हुआ मन बलिदान चढ़ा सके। आप यज्ञ की पुस्तक आगे आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे, इसमें आपको मिलेंगे फैमिन, थकाल, मरी, आपको मिलेंगे बीस्ट, मिलेंगे तीन तीन प्रकार के बीस्ट मिलेंगे। आगे पढ़िए प्रभु के वचन में, ये यर्मिया का पुस्तक उसका 5:6 पढ़िए। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। इस कारण वन में से, जंगल में से एक शेर आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उन्हें आकर नष्ट करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा। आगे, और जो कोई उनमें से निकले, जो कोई उनमें से निकले, में से निकले, वह फाड़ा जाएगा। फाड़ा जाएगा, यह है वो जंगली जंतु। किनको दर्शाते हैं ये तीन जंतु? शेर है, भेड़िया है। भेड़िया जानते हैं ना कौन? भेस किसका है? भेड़ का है। है कौन? फाड़ने वाले भेड़िया। ये जंतु ये नबियों को दर्शाते हैं, ये जंतु आपके डिक्टेटर्स को दर्शाते हैं। तानाशाह, जैसे हिटलर आया था, उसने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। हिटलर ने न्यूज चैनल खरीद लिए थे और अपनी पब्लिसिटी करवाई उनसे। हालांकि पूरे जगत में हिटलर की निंदा हो रही थी उस समय में, जो उनके देश के मीडिया थी वो उनकी प्रेज कर रही थी। देखा कि हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे मंत्री ने कैसा काम किया। ये भी आज इधर भी हो रहा है। तानाशाह या हवा ने दिया हुआ है, इनको पीड़ित किया था हिटलर ने। हवा की प्रजा को ना, इधर भी कौन हो रहे? हवा की प्रजा ही हो रही है। गलीसिया क्यों हो रहे हैं? ताकि हम मन फिराए, ताकि हम तौबा करें, ताकि तौबा का हम प्रचार करें। हालेलुया। तो तीन जाकर, शेर, भेड़िया और चीता, झूठे नबियों को दर्शाता है, साथ ही साथ डिक्टेटर्स को दर्शाता है। कौन है ये शेर? ये आ रहा है उधर से, बेबीलोन से। क्या नाम है इसका? नबूकदनेस्सर। गुलाम बना के ले जाएगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, मंदिर को ढा देगा, मंदिर के सामान को ले जाएगा। वार्निंग्स दी यर्मिया ने, यर्मिया ने चेतावनियां दी, सुधर जाओ, तौबा कर लो, नहीं तो बहुत बुरे समय आने वाले हैं, यहोवा का क्रोध तुम पर भड़का है। अभी क्या किया इन्होंने? दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे। एक अध्याय उसका 17 पढ़िए। इसीलिए तो अपने 16:17 उनकी सारी बुराई, हाँ, उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया, हाँ जी, और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। हाँ, अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत कर रहे हैं इजरायली लोग यर्मिया के समय में। इसलिए यहोवा यर्मिया को बोलता, उठकर, वो कहता मैं अभी बच्चा हूँ, मत कह कि तू बच्चा, मत कह तू बालक है, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले।